पिछले महीने के दौरान गोल्ड प्राइस में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई थी, जिस कारण सोना अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया था। इसके बाद सोने में इन्वेस्टमेंट की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। कई एक्सपर्ट्स ने गोल्ड में निवेश को लेकर टारगेट भी दिया था, लेकिन सिल्वर को लेकर इतनी चर्चा नहीं हुई थी। हालांकि चांदी अब एक नए मुकाम पर पहुंच गया है और चांदी ने अपना ऑल टाइम हाई लेवल को टच कर लिया है, जबकि गोल्ड अपने हाई लेवल से नीचे कारोबार कर रहा है। अगर हम बुधवार की बात करें तो बुधवार को MCX चांदी अचानक 599 रुपए महंगा हो गया और 86,000 रुपए के लेवल को पार कर गया। MCX पर चांदी के दिन का हाई लेवल 5 जून वायदा के लिए 86,200 रुपए प्रति किलो था, लेकिन कारोबार बंद होने तक चांदी के भाव 85,601 रुपए प्रति किलो पर आ गए। मंगलवार को सिल्वर 85,417 रुपए प्रति किलो के लेवल पर थी। यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो बुधवार को चांदी ने अपने ऑल टाइम हाई लेवल को टच किया और ये 86,000 रुपए के पार चली गई। अगर हम सोने की बात करें तो सोने का रेट 72,455 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जबकि बुधवार दिन के दौरान गोल्ड का हाई लेवल 72,868 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं दिन का जो निचला स्तर था वो 72,234 रुपए प्रति 10 ग्राम था। मंगलवार को गोल्ड के रेट 72,297 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। 15 मार्च की अगर हम बात करें, यानी कि आज से तकरीबन एक महीने पहले की हम लोग बात करें, तो गोल्ड प्राइस 65,902 रुपए थी। इन दो महीनों के दौरान गोल्ड के रेट में 6,553 रुपए की तेजी आई है। वहीं सोने के कंपैरिजन में चांदी ज्यादा महंगी हुई है, क्योंकि दो महीनों के दौरान चांदी के रेट MCX पर 9,000 रुपए से ज्यादा बढ़े हैं। 15 मार्च 2024 को चांदी के रेट 77,023 रुपए प्रति किलो था, जो कि अब 86,200 रुपए तक जा चुका है। ऐसे में देखें तो सिल्वर की कीमत इन दो महीनों के दौरान 9,177 रुपए प्रति किलो बढ़ गई है, यानी कि सोने के कंपैरिजन में चांदी ने ज्यादा रिटर्न दिया है। अब इस सिल्वर को लेकर रिच डैड और पुअर डैड के जो राइटर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने सोने चांदी के निवेश को लेकर कई बार एडवाइस दी है। खास तौर पर चांदी को लेकर कियोसाकी खासे बुलिश रहते हैं। बीते साल किए गए एक पोस्ट में मशहूर लेखक लोगों से चांदी में निवेश करने की अपील कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर आप गरीब से अमीर बनने के सपने देख रहे हैं तो चांदी में निवेश करके ये मौका भुना सकते हैं। और कई बार ऐसा रहता है कि कियोसाकी चांदी को लेकर बुलिश दिखते हैं और वो हमेशा सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जिस तरीके से चांदी भी अपना ऑल टाइम हाई लेवल टच कर चुकी है और इसके आगे भी चांदी की जो चमक है वो बरकरार रहने की उम्मीद जताई जा रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस साल के एंड तक या कुछ ही महीनों में चांदी 1,00,000 रुपए प्रति किलो के लेवल को भी पार कर सकती है। तो ये चांदी में इन्वेस्ट करने का एक अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन गुड रिटर्न्स आपको बार बार यही सलाह देता है कि आप सोने में निवेश करें, चांदी में निवेश करें या आप किसी भी एसेट में निवेश करें, तो एक बार अपने खुद के रिसर्च कर लें, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनकी सलाह ले लें, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। वेल, गोल्ड और सिल्वर को लेकर आपको क्या कुछ लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।